नमस्कार, एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव में आपका स्वागत है और आप हैं रश्मि के साथ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं बीजेपी के खास कार्यकर्ता श्री बाबूराम पासवान जी, जो कि 129 विधानसभा पूरनपुर जनपद पीलीभीत से हैं। तो आइए आज हम इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इनके साथ। आज हम विधायक जी से बात करेंगे गाँव से होने वाली समस्याओं के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम विधायक जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो विधायक जी, आज हम आपसे बात करेंगे गांव से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि गांव की आखिर सबसे सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी आज के डेट में। देखिए, गांव की सबसे बड़ी समस्या जो थी स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय, जिससे गांव के अंदर बहुत भयंकर बीमारी पैदा होती थी और सब गंदी गलियां रहती थी, गांव में भी बड़ी गंदगी आती होती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो गांव शौचालय को वरीयता क्रम में लिए गए, जो गरीब परिवार थे उनके पास पैसा नहीं था और वो उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, तो पहली समस्या ये बहुत बड़ी समस्या थी जो बड़ी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में लागू हुई, वो चल रही है। दूसरी ये है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी गांव में लोग दीपक मिट्टी का जलाकर, मिट्टी के तेल का, उससे उजाला पाते थे, लेकिन सौभाग्य योजना के अंतर्गत घर घर में बिजली देना, ये वरीयता क्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों द्वारा हो रहा है, ये बहुत बड़ा कार्य है। और गांव में जो गरीब लोग जो आवासों से वंचित रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज गांव-गांव उन गरीबों को जो अंतिम पायदान पर खड़े थे उनको आज आवास भी मिल रहे हैं, और मुद्रा योजना के अंतर्गत उनको एक ऐसा कर्ज मिल रहा है कि वो अपना रोजगार दे रहे हैं। इतने सारे विकास भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं और वो बड़ी तेज़ी से लागू हो रहे हैं, गांव तक पहुंच रहे हैं। गांव का हर आदमी इस बात के लिए नाज करता है कि गांव में आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसमें बड़ी उपलब्धता जो है, जो बीच में नहीं डायरेक्ट उन तक जा रही है, पिछली सरकारों में बिचौलियों द्वारा और दलालों द्वारा उस योजनाओं का लाभ गांव तक नहीं पहुंचता था, लेकिन अब पारदर्शी योजना जो लागू की गई है उसमें पूरा पूरा लाभ उन गरीब परिवारों को मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रहा है। वहाँ पर यहाँ तक कि आप ये देखें, गाँव के अंदर जैसे राशन कार्ड की समस्या थी तो पात्र व्यक्तियों को कभी भी राशन कार्ड नहीं मिले, आज हमारी सरकार ने उन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाए हैं, अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड काटे गए, उनको खाद्य योजना के अंतर्गत उनको पूरा लाभ मिल रहा है। तो जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, और दूसरी बात है गाँव में आप देखें कि एक शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल में जो ड्रेसें बांटी हैं, वो ड्रेसें मानक के अनुसार आज ऐसी बांटी गई हैं उनको कि बच्चों को उनके अंदर एक हीन भावना खत्म हुई कि वो एकदम जैसे लोग बड़े आदमी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छी ड्रेसें पहनाते थे, लेकिन ये अलग थी। आज ड्रेसें उनसे मानक के रूप में, ऐसा लगता है कोई बच्चा अपनी हीन भावना नहीं समझता है। और पहली बार किताबें जो आ रही हैं आज, उस किताबों में जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा महापुरुषों को जीवन है जो आज विलुप्त हो रहे थे भारत से, उनके जीवन परिचय, उनके क्या कार्य किए, वो भी आ रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह है, लोग जानते हैं कि अब हमारा विकास, संपूर्ण विकास होगा। चाहे कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की दोगुनी आय करने के लिए जो प्रयास किया है, आज किसान उसका पूरा लाभ ले रहा हो, चाहे धान का
जो अभी पारदर्शी योजना के अंतर गाँवों में जो खरीद हुई है उसमें किसान बहुत खुशहाल है कि उसको पूरा लाभ मिला है। सरकारी योजना के अंतर्गत गन्ने का लाभ मिला है। आज इससे पहले कई 2016-17 का जो बकाया गन्ने का भुगतान तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में किसानों को पूरा भुगतान कराया। इसने किसान भी खुशहाल है, गरीब मजदूर भी खुशहाल है। जितना भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में शासनकाल में आप ये देखिए कि एक तो भयमुक्त सरकार का निर्माण, भयमुक्त समाज में निर्माण हुआ, ये देन माननीय योगी आदित्यनाथ की है, जो एंटी रोमियो और इस तरीके की जो और अभी जो एक कानून बना है उससे हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी गुंडा लोग हैं या तो वो भूमिगत हो गए या उनको एनकाउंटर हुए हैं मुठभेड़ में या वो प्रदेश छोड़ के बाहर जाने लगे हैं, तो ऐसे लगता है कि अब ना चाहे लड़कियां हों बहनें हों वो सब आराम से इधर उधर आ जा सकती हैं, भयमुक्त होकर घूम रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ विधायक जी, जैसा कि आपने राशन कार्ड के बारे में बताया, अगर हम लोग राशन की बात करें तो अगर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी परिवार में अगर 5 सदस्य हो या फिर किसी परिवार में 10 हो, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या देखकर राशन नहीं दिया जाता। जैसे अगर 10 किलो 12 किलो देना है तो वो चाहे आपके परिवार में संख्या 5 हो या 10 हो लेकिन वो बराबर में दिया जाता है, ऐसा क्या? तो उनका ऐसा है ना, यूनिट के हिसाब से राशन की प्रक्रिया है, जिस परिवार में कितने यूनिट है उसी के हिसाब से मिल रहा है। एक परिवार में एक आदमी है तो उसे उस हिसाब से मिल रहा है, जिसके परिवार में जितने हैं रहने वाले वो ऐसा मिल रहा है और ये राशन कार्ड चल के आ रहा है। और अगर हम रोजगार की बात करें तो देखा जा रहा है कि गांव में ऐसा है कि पढ़ाई अभी भी बहुत नीचे स्तर पे देखा जा रहा है और अभी भी रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो गांव को छोड़कर उन्हें बाहर जाके रोजगार ढूंढना पड़ रहा? अभी आपने देखा होगा इतना बड़ा यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो बाहर के व्यापारी उद्योगपति आए हैं समिट द्वारा और रोजगार मुहैया कराने के लिए जिस प्रकार ये जो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपने उद्योग लगाने के लिए, तो अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि जितना बेरोजगार आदमी है बाहर जाए उसे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और बाहर के आने वाले उद्योगपति भी हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी सक्रिय हैं और उनको ये लगता है कि यहाँ उद्योग लगाने की समय कुल परिस्थिति बनी है और हमें लगाना चाहिए, तो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जितने करोड़ का बजट माननीय योगी आदित्यनाथ ने पास किया उतने ही करोड़ का यहाँ पर एक समझौता हुआ है, उससे अभी माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत जल्दी ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अब 68,000 की भर्ती बेसिक शिक्षा टीचरों की हुई है, उसके लिए एक प्रक्रिया चल रही है, पुलिस की हो रही है, हर विभागों में, और कौशल योजना के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्य चल रहा है उसमें कौशल विकास के अंतर्गत उसमें भी रोजगार लोगों को मिल रहे हैं और अपने पैरों पर भी खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश आज जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ अन्य सरकारों में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो एक कार्य एक साल में इतनी प्रगति से किया है कि उत्तर प्रदेश शायद ही भारत वर्ष में बहुत आगे जाएगा। और भारत वर्ष को जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व में स्थान दिला रहे उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी स्थान रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ विधायक जी, अगर हम किसान की बात करें तो अभी भी किसान मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है उनको भी, ऐसा क्या है? अभी भी किसानों को सुसाइड करना पड़ रहा है, ऐसा उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए अभी जैसे सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का उसमें लघु सीमांत किसानों को 1 लाख का कर्जा माफ करने के लिए जो कहा गया था वो पूरी तौर से लागू हुआ, उनका एक कर्जा माफ भी हुआ। अब कुछ बहुत पीछे सरकारों से वो कर्जा में
किसी हिसाब से रहे हों या ऐसा हुआ, ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन किसान अब चाह रहा है कि हमारा भला हो रहा है, हमें पूरा लाभ मिल रहा है और आगे जो आय दोगुनी करने के लिए जो वैज्ञानिक तकनीकी और जो डेवलप जिसका हो रहा है उससे किसान अपने को खुशहाल महसूस कर रहा है। और शायद ही आगे आने वाले समय में जो 70 साल की व्यवस्था बिगड़ी थी उस व्यवस्था को दिशा में ले जाने के लिए जो प्रयास माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, ये सराहनीय कदम है और हर किसान खुशहाल होगा और हर किसान के लिए लाभ के पूरी उपज का पूरा लाभ मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा और खुशहाल जिंदगी जिएगा। जी हाँ विधायक जी, अगर मैं आपसे अब अंतिम प्रश्न करना चाहती हूँ कि अभी जो पिछली सरकार थी और अभी जो आपकी सरकार है, इन दोनों में आपकी सरकार ने क्या ऐसा बेहतर किया और ऐसा क्या आगे क्या अच्छा करने वाला है जिससे गांव वालों को और भी ज़्यादा खुशी महसूस हो? देखिए पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में देखा जाए जो काम 5 सालों में नहीं हुए वो 1 साल के अंतर्गत हुए। जैसे उज्ज्वला योजना है, हर घर को उन गृहिणी गरीब परिवारों को मिली है जो धुएं में बीमारी से कई ग्रसित हो जाते थे, आज उनको उसका लाभ मिल रहा है। घर घर बिजली मिल रही है, ये कभी नहीं हो पाया। पहले बिजली कभी गांव में देखने को नहीं मिलती थी, आज 18 घंटे बिजली लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है। उसका भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास योगी सरकार कर रही है कि 24 घंटे मिले और जहां तक मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली जा रही। जैसे ही सरकार बनी सारी चीज़ें आपके सामने पारदर्शी हैं, क्योंकि चाहे बिजली का हो और चाहे उज्ज्वला योजना को, चाहे जनधन बीमा योजना को, जो सारे कार्य लोक हित में, जनहित में, जनता के द्वारा ही जनता के लिए बनाए गए, इस सरकार ने जो कार्य किए जनता के हित में है, ऐसा कोई भी आप एक भी बिंदु लें तो उस बिंदु को ये देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल्याणकारी योजनाएं समाहित हुई हैं और सबको ये लाभ मिल रहा है। मेरा ये मानना है और ये बिल्कुल मानना ही नहीं, पूरा एक संदेश जा रहा है, एक लोगों के अंदर आवाज़ उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रामराज्य आ गया है और रामराज्य आने वाला है, चाहे किसी भी स्तर पर हो। आज यही चारों तरफ ये चर्चा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और इतने कम समय में इतनी अच्छी बातें बताकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के खास कार्यकर्ता और इन्होंने बहुत ही अच्छे समय से, बहुत अच्छे कम टाइम में बताया ये हमें क्या है आखिर गांव की समस्या और क्या चल रही है अभी। तो इसके लिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आज के लिए बस इतना ही। अब रश्मि को दीजिए इजाज़त।